आठ प्राणायामों में चौथा महत्वपूर्ण प्राणायाम है ऊंचाई। ऊंचाई प्राणायाम में लंबा गहरा श्वास भरते हैं भर करके रोक के रखते हैं, और जब रोक के रखते हैं तो जालंधर बंद लग जाता है, बोल बंद भी लगा सकते हैं। थोड़ी को कंठकूप में लगा देना है जालंधर बंद, और श्वास के अंदर रोक के रखा है अभ्यंतर कुंभक हो गया। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा में हाथों को रख सकते हैं। यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे इसको 3, 5, 7, 11 बार से लेकर के 21 बार तक कर सकते हैं। ऊंचाई प्राणायाम में गले को टाइट करके श्वास को अंदर भरते हैं नाक से, मुंह बंद होता है, और गले को टाइट करके जब श्वास भरेंगे तो एक साउंड होगा। फिर थोड़ी देर रोकने के बाद, यथाशक्ति रोकने के बाद दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। गले के एक्सरसाइज के लिए, थायराइड पैराथायराइड के लिए, थ्रोट इंफेक्शन के लिए, स्नोरिंग के लिए, खर्राटे, स्लीप एपनिया के लिए, स्टमरिंग के लिए, जो बच्चे तुतलाते हकलाते हैं, टॉन्सिल की प्रॉब्लम के लिए, ऊंचाई से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। मॉडर्न मेडिकल साइंस में थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, चाहे हाइपोथायराइड हो चाहे हाइपरथायराइड हो, उसके लिए कुछ टैबलेट जरूर बना दिए, वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। मॉडर्न मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां बीमारियों की मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन है, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए तो कुछ केमिकल्स और हार्मोन्स विकसित कर दिए गए हैं, लेकिन क्योर करने के लिए नहीं है। ये कपाल भाती प्राणायाम थायराइड को क्योर कर देता है, T3, T4, TSH का बैलेंस कर देता है 100%। किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 1 महीने में, तो किसी का 3 महीने में थायराइड का रोग पूरी तरह खत्म हो जाता है। स्नोरिंग और स्लीप एपनिया, खर्राटे के लिए और रात को सोते सोते जो श्वास रुक जाते हैं, इसके लिए कोई दवाई नहीं है, ये ऊंचाई प्राणायाम से ठीक हो जाता है। जिनको बार बार थ्रोट इंफेक्शन होता है, जिनका बार बार गला खराब होता है, उनके लिए ऊंचाई प्राणायाम रामबाण है, अमोघ औषध है, अचूक दवा है। और ऊंचाई प्राणायाम इसको कभी भी कर सकते हैं। कपालभाती बाह्य प्राणायाम ऐसे हैं जिनको खाने के बाद नहीं किया जाता है, खाने के 4-5 घंटे बाद ही किया जा सकता है। ऊंचाई प्राणायाम को, अनुलोम विलोम प्राणायाम को, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, इनको आप शाम को भी खाने के 1-2 घंटे बाद कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती हो तो वो तो अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम सोते समय जरूर किया करें। ऊंचाई प्राणायाम में कोई खास सावधानी की बात नहीं है, इसको बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी कर सकते हैं। मैंने देखा जो बच्चे तुतलाते हकलाते थे, ऊंचाई प्राणायाम करके उनका तुतलाना हकलाना 100% बंद हो गया। टॉन्सिल की प्रॉब्लम अक्सर छोटे बच्चों को बनी रहती है, और विदेशों में तो मैंने देखा बहुत से देशों में टॉन्सिल का ऑपरेशन ही कर दिया जाता है, लेकिन आप यदि ऊंचाई प्राणायाम करेंगे, बच्चों को भी करवाइए, तो उनको कभी भी जिंदगी में टॉन्सिल की प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका एक खास फायदा हमने देखा, जिनको पार्किंसन की बीमारी है उनके लिए भी, खास करके जिनको गले का पैरालिसिस हो जाता है उनके लिए भी, स्वर भंग के लिए भी, किसी किसी की आवाज बैठ जाती, पहले बहुत होता था, हमने भी बचपन में देखा, हमें भी कई बार ऐसा होता था कि जैसे आवाज बैठ गई, निकलती नहीं थी, तो ऐसी परिस्थिति में भी कपालभाती और ऊंचाई प्राणायाम आपकी बहुत मदद करते हैं।